सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? सर यूपीपीएससी लेक्चरर। कौन से सब्जेक्ट का स्नैप देना चाहते हैं? सर मशीन में सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन। सबसे पहले तो मेरे को सिंक्रोनस मशीन की वर्किंग बताइए। सर सिंक्रोनस मशीन में सबसे पहले हम लोग इसके जो स्टार्टर है इसमें वाइंडिंग को 120 डिग्री स्पेस में डिस्प्लेस करते हैं और इसमें बैलेंस थ्री फेज सप्लाई देते हैं जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और फिर जो हमारा रोटर है रोटर को डीसी सप्लाई अलग से हम लोग देते हैं। और सर इन केस ऑफ अगर मैं जनरेटर समझाऊं तो जनरेटर को समझाऊं तो हम लोग प्राइम मूवर से रोटर को घुमाते हैं और इधर से हम सप्लाई भी देते हैं थ्री फेज सप्लाई। तो दोनों दोनों जो फ्लक्स है एक दूसरे से इंट्रैक्ट होते हैं और मशीन रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो हमारा रोटर होते हैं जो हमारा रोटर होता है उसमें जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। फिर उसी उसी से हम लोग स्टेटर में हम लोग वो इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। अच्छा, सिंक्रोनस मशीन में ये बताइए मेरे को, सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है और इसको स्टार्ट करने के लिए हम कौन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? सर इसलिए नहीं होता है क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हम जो हमारी स्टेटर होती है उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होती है और उस समय रोटर जो होता है हमारा स्टॉप पोजीशन पे होता है, उसकी स्पीड जीरो होती है। तो इनर्शिया के कारण वो उस स्पीड को कैचअप नहीं कर पाती है। तो इसलिए उसी पॉइंट पर ऑसिलेट होती रहती है, इसलिए सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। इसको सेल्फ स्टार्ट करने के कई तरीके हैं। जैसे सबसे पहले ऑक्सिली मशीन यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो रोटर होता है उसको उसको घुमाते हैं और फिर मतलब क्या करते हैं कि जो फील्ड होता है उसमें सप्लाई नहीं देते हैं, एक्साइटेशन नहीं देते हैं। रोटर को ऑक्सिली की हेल्प से उसे रोटेट करते हैं जब उसकी स्पीड एनएस हो जाती है, फिर उसमें डीसी एक्साइटेशन देते हैं और फिर वो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड को कैचअप कर लेती है और दोनों स्टेटर रोटर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एनएस की स्पीड से घूमती है। और दूसरा एक और मेथड है डैम्पर वाइंडिंग मेथड। इसके जो सेलिएंट पॉइंट मशीन होती है उसके 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 जो शाफ्ट होते हैं रिशाफ्ट में जो उसके पेरिफेरल होते हैं रोटर के उसमें हम डैम्पर वाइंडिंग रख देते हैं। तो क्या होता है कि जो रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड है डैम्पर वाइंडिंग को कट करती है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आती है। उस इंड्यूस ईएमएफ से उसमें अगर वो शॉर्ट सर्किट डैम्पर वाइंडिंग है तो उसमें करंट आती है और टॉर्क आता है और फिर वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने लगता है। तो जैसे उसकी स्पीड एनएस हो जाती है तो उसमें जो हमारा डैम्पर वाइंडिंग का जो है उसका इंड्यूस ईएमएफ नहीं रहेगा और उसका काम रोल खत्म हो जाएगा और हमारी जो मशीन है नॉर्मली सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी। एक और मेथड है वी बाई एफ। उसमें क्या करते हैं कि सप्लाई की तरह जो है उसमें जो फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे रिड्यूस फ्रिक्वेंसी पे भेजते हैं वी बाई एफ को कॉन्स्टेंट करके, जिससे क्या होता है कि जो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमती है। तो उस समय रोटर जो होता है उसको इनर्शिया उतना फील नहीं होता है, वो आराम से उसे कैचअप कर लेता है। जैसे ही कैचअप कर लेता है हम सप्लाई इसको फिर फ्रिक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज से सप्लाई देते हैं और फिर वो रोटेट होती है। सिंक्रोनस मशीन में ओके ये वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज करते हैं? सर वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए सिंक्रोनस मशीन में हम चार मेथड यूज करते हैं। एक तो होता है इम्पीडेंस मेथड, एक एमएमएफ मेथड होता है और एक जीरो पावर फैक्टर और चौथा होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड। हाँ ये सब मेथड। अच्छा ये पहला पॉइंटेड एंगल मेथड में क्या डिमेरिट आई थी या क्या उसकी लैगिंग थी? सर ये मुझे थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया था मुझे पहला वाला समझ में। हाँ कौन सा मेथड मेरा ऑप्टिमिस्टिक मेथड है, कौन सा पेसिमिस्टिक मेथड है? सर ये जो हमारा इंपीडेंस मेथड है पेसिमिस्टिक मेथड है। सबसे बेस्ट हमारा ये सबसे पहला सबसे ज्यादा खराब मेथड तो हमारा ये है इम्पीडेंस मेथड और सबसे अच्छा एमएमएफ मेथड को मानते हैं क्योंकि वो जो जितना हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा देता है। ये स्लिप टेस्ट क्या होता है? सर जो स्लिप टेस्ट होता है ये हम लोग
ये हम लोग सेलिन पोल्ड मशीन होती है उसके लिए निकालते हैं। इसमें जैसे कि हमारा इसमें क्या होता है कि एक्स जी एक्स यू एक्स क्यू को फाइंड करना होता है बेसिकली, सिर्फ सिर्फ टेस्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं एक्स डी तो उसे हाँ एक्स डी एक्स क्यू को फाइंड करना होता है बेसिकली, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए। और ये मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि जैसे जो हमारा डायरेक्ट एक्सेस है सर, डायरेक्ट एक्सेस जो हमारा है वहां पास जो एयर गैप होगा उनके बीच में, रोटर स्टेटर के बीच में, वो एयर गैप कम होगा, मतलब म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा होगा। एयर गैप कम होने पर लीकेज रिएक्टेंस होंगे वो कम होंगे, तो उससे क्या होगा जो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होने से कि जो उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो हाई होगा। इसलिए जो एक्सजी का फॉर्मूला आता है वो होता है मैक्स वी वी अपॉन मतलब एक्सजी जो कैस्ट होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मिनिमम करंट, और जो एक्स क्यू होता है वहाँ एयर गैप ज्यादा होता है तो उसमें लीकेज ज्यादा होते हैं तो ड्रॉप ज्यादा आता है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज कम होती है और करंट मैक्सिमम होती है। तो इसलिए एक्स क्यू को निकालने के लिए मिनिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट, इस मेथड से हम एक्स जी और एक्स क्यू फाइंड करते हैं सर। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि सिंक्रोनस मशीन में अगर सिंक्रोनस मशीन मेरी अंडर या ओवर सिंक्रोनस स्पीड से जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं या क्या किया जाता है उसको सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए। ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड हो जाए तो नहीं, एक्सरसाइज पे हाँ नहीं, सर, सिंक्रोनाइजिंग फैक्टर ओवर स्पीड या अंडर स्पीड। तो सर उस टाइम अगर किसी में एक ओवर एक्साइटेड है, कोई ओवर अंडर एक्साइटेड है सर, हंटिंग की बात कर रहे हैं क्या हाँ जी, हंटिंग की सर? बात कर। अच्छा तो मतलब वो अपने स्टेडी स्टेट पे वो एक जो स्टेडी स्टेट पे वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अक्रॉस वो हंट कर मतलब वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहता है, तो उसको दूर करने के भी कई तरह तरीके हैं, जैसे कि एक तो डैम्पर वाइंडिंग है और एक है फ्लाई व्हील करके कुछ है, फ्लाई व्हील है और हंटिंग करने के सिंक्रोनाइजिंग करंट भी है शायद मेथड। अच्छा एक और क्वेश्चन, पोल चैम्परिंग क्या होती है और सिंक्रोनस मशीन में इसकी यूज कहाँ पे है। पोल चैम्फरिंग हाँ उसमें क्या होता है हम लोग बेसिकली उसमें यूज करते हैं सेलिएंट पोल मशीन में, ताकि साइनोसॉइडल फ्लक्स बने, क्योंकि जो इसका मिड पॉइंट पे एयर गैप कम होता है और उसके टिप पे एयर गैप ज्यादा होता है, तो जो फ्लक्स एयर गैप में बनता है वो साइनोसॉइडल होता है। इसका यूज हम डीसी मशीन में भी करते हैं, उसको आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए चैम्फर्ड पोल यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा था आपका परफॉर्मेंस वाइज, अच्छा था। कुछ क्वेश्चन में जैसे कि जो टेस्ट के बारे में या फिर सर्किल डायग्राम के बारे में जो इंडक्शन मशीन में होता है, ये सब कुछ टॉपिक है ना जो कोई पढ़ता नहीं, पर अगर वो पूछ दिए जाए ना तो फिर दिक्कत होती है। तो ठीक सर्किल डायग्राम जो था मैंने पढ़ा था, बस मैंने बेसिक पढ़ लिया था कि सर्किल डायग्राम से क्यों आप करते हैं और क्या डिफरेंस है फेजर डायग्राम से, मैंने ये पढ़ लिया था नेट से, बस डिटेल नहीं पढ़ा था इसका ज्यादा। कोई नहीं, एक बार गो थ्रू हो जाएगा, इनके हाँ से अगर पूछ दिए ना तो फिर वो हाँ हाँ बचता नहीं आगे। ठीक है, ठीक है सर।